अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मुर्गियाँ सारी धूप लगवा रही हैं, अब उस तरफ चलते हैं। एक बब्बर शेर हमारा दूसरी छत पे गया है। इधर आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। इनको पानी डालता हूँ। मुर्गियों को तो आज सुबह सुबह पानी डाल दिया था, ये बेचारे थोड़े लेट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बाहर आना होता है और बाहर होती है सर्दी। तब मैं इनको थोड़ा बाद में पानी डालता हूँ। ये इनको पानी वाला बर्तन है, ये पी लो पानी। इनका दाना भी ख़त्म हो गया, वो भी लेकर आने आज। ये देखिए ऊपर चढ़ गए। आज माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, सूरज के अंदर आँख ही नहीं देखने हो रही, बहुत अच्छी धूप है। और आज माशाल्लाह दिन जुमे का सर की पर मैंने आयल लगाए हुए अभी, क्योंकि नाना है तो आयल पहले ज़रूरी होता है। फिर अंदर चलते हैं। ये चूज़े भी छोड़े हुए हैं, ये चेक करें। इनको सबको वैक्सीन रात को कर देती, मुर्गियों को भी चूज़ों को भी सबको। तो आज माशाल्लाह ये एक्टिव रहेंगे। आप अभी जाना है कज़न के घर, वो दो नए मुर्गे लेकर आया, वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुर्गे लेकर आया। ये देखें, ये भी रेस्ट कर रहे हैं खा पी के। और ये वाइट देखा है, वाइट बिल्कुल प्योर वाइट बन रहा है। देखें प्योर वाइट असील। ये इसका बच्चा नहीं है, ये जो इसकी माँ है ना, इसके नीचे सिर्फ हमने अंडे रखे थे, ये बच्चा किसी और का है। ये वो मेरा एक मुर्गा जो नहीं है मेरे घर वाइट, उसका भाई था, ये उसका बच्चा है, ये वाइट निकले। और ये जो ऊपर ये तीन बैठे हैं, ये इसके बच्चे हैं, बड़े हो गए। और एक ये वाला भी, और ये वाला भी किसी और का बच्चा है। अब उधर चलते हैं बाहर वाले जो नए मुर्गे लेकर आया। ये आ गए जी नए मुर्गे। एक ये वाला मुर्गा खोल देखते, ये इस मुर्गी के साथ छोड़ा हुआ है, देसी मुर्गी है, ये अंडे दे रही है। इसके जितने अंडे होंगे वो रख रहे हैं। और एक ये मुर्गा आया है, ये वाला, दोनों अच्छे हैं। ये देखें, इसके साथ कोई मुर्गी अभी नहीं लगाई। तो ये चूजे हैं, ये वाले बेचने हैं। और बाकी ये भी अच्छे खासे बड़े हो गए। ये बेंटम हमने देखे गोल गोल से, इसके अंदर और भी बेंटम है। ये वाले दो बेंटम हैं, ये जो आगे ब्लैक खड़े हुए हैं। ये जो दो ब्लैक हैं ये भी बेंटम है, और वो पीछे भी बेंटम है एक ब्लैक। एक ये आगे ब्लैक, ये वाला बेंटम है, बाकी ये आस चला पे। एक हैवी बफ भी है, वो ब्राउन वाला। ये मुर्गियाँ, ये जो मादी बैठी हुई है ना, ये वाली येलो वाली, ये हमें लगता है कि कुड़क हो गई है, ये वाली येलो वाली, क्योंकि ये हर वक्त अंडों पे बैठी रहती है। अब इसके नीचे कोई अंडे ढूंढते हैं, जिसके नीचे रख दें, क्योंकि फजूल तो हमने बिठाना नहीं है, बच्चे ही निकाल लेगी। बाकी ये मुर्गियाँ अपने खाने के इंतज़ार में, अभी इनका टाइम नहीं होया खाने का, अभी वो खुद भी घर नहीं है। सीब जब आएगा तो इनको खाना डालेगा। वो वाली देखे अभी भी बैठी हुई है, वो हर वक्त उधर ही बैठी रहती है कोने में, अपनी जगह पे, अंडा हो ना हो एक जगह बना रही है। उसके नीचे कौन से अंडे रखे हैं पता नहीं, अगर फैंसी मिल गए फैंसी रख देंगे, अगर देसी मिल गए तो देसी रख देंगे। ये
अभी देखिएगा वो मुर्गी ने अंडा दिया है ना, तो वो उसको देख रही है अभी वो अंडा मुझे मिल जाए, अभी अपने नीचे कर लेगी ये अब उसने अपने नीचे कर लिया अंडा, पक्की कड़क हुई है मैं बिल्कुल पीछे होके वीडियो बना रहा हूँ। वो देखे अंडा अपने नीचे कर लिया, उसको नहीं दे रही अंडा, वो लेने की कोशिश कर रही है, ओ अब उसने ले लिया, ये अब देख रही है कि मेरा अंडा किधर गया। चलो इसके नीचे कोई अंडे मंगवाते हैं फर्टाइल जो ये जिसके नीचे से बच्चे निकाल सके। ये देखें इनको सर्दी से बचाने के लिए नीचे मैंने बोर्ड डाल दिए ताकि ये ऊपर बल्ब जा रहा है, बल्ब से ये बहुत गर्म हो और ये अच्छे से रात को गर्म रहे। माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। ये इनकी प्लेट मैंने खाने वाली निकाली हुई है, वो लंगड़ी पड़ी हुई है इसके अंदर गंदम कूट के, तो अब इनको डालता हूँ। अब ये इतने नहीं हुए कि साबुत गंदम खा सकें, तब मैं इनको कूट के डालता हूँ। इनको अभी मैं ऊपर से लेकर आया हूँ, जब ऊपर धूप होती है ये सारा दिन ऊपर होते हैं। ये चारों आपको नज़र आ रहे हैं नीचे घूमते हुए, एक ये फीमेल है, एक ये मेल है, एक वो गए हुए और एक ये ब्लैक वाली। ये यहाँ से ग्रिल के दरमियान से उड़ के नीचे गए हैं और ये नीचे खा रहे हैं पौधे। फटाफट मुझे नीचे जाना है, ये दो अभी ऊपर ही हैं क्योंकि पौधे ये सारे ख़राब कर देंगे, इनको ऊपर लेकर आना है। चलो, और ये बिल्ली देखें कितने मज़े से इनको बैठ के देख रही है। ये देखें इनके काम देखें, पौधे खाते हैं। चलो ऊपर चलो, चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर देख भाग दे। ऐसे नहीं है जाएंगे, एक दफ़ा मैं इनको ऊपर कर लूँ फिर कैमरा ऑन करता हूँ। इनको ऊपर दाना डाला तब ऊपर आए हैं, ऐसे तो जाते नहीं, अभी सारा दाना खा रहे हैं। और मैंने कल एक और सोचा है कि वो जो हमारे दो पिंजरे पड़े हुए हैं ये पड़े हुए तो फजूल हैं, और अंदर हमने जैसे बनानी है अपनी एवरी, तो उसके लिए असील तो अंदर नहीं होनी चाहिए। ये वाले पिंजरे दोनों नीचे रख के इनको पीछे से अगर आपस में जोड़ दिया जाए, दरमियान वाली जाली निकाल के एक बड़ा खाना बना दिया जाए, और इसके ऊपर शीटे शीटे वगैरह लगा के बारिश धूप से बचा लिया जाए, तो इसके अंदर हमारे असील रह सकते हैं। ये मेरे ख्याल में आया था, आप क्या कहते हैं? ये तो इसके ऊपर पड़ा हुआ ना, ये उठा के इसके हम आगे रख लेंगे, ये ऐसे चौड़ा भी हो जाएगा और अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। तो कमेंट्स में बताइएगा हमें ऐसा करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे मैं रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट वीडियो चढ़ाता रहूं। तो इंशाल्लाह इस कमरे को भी हम बहुत जल्द रेनोवेट करेंगे, वो जो आज मैंने आपको बताया तरीका उनके जिसका, वो बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको, ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि ये वाला हमारा कमरा फिर फ्री हो जाएगा, इसके अंदर फिर हम पिजन्स और डब्स ला सकेंगे, ऐसे अगर ये नीचे सील हैं तो तब हम नहीं ला सकते। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।